हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ में लखनऊ के फ्लावर शो का पार्ट टू लेकर आया हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोग के साथ में जल्द ही शेयर किया था। अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पार्ट को भी जरूर देखें। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि तो वीडियो में आप लोग को ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी गार्डन से रिलेटेड, जो इससे पहले शायद आपने इससे पहले कभी ना देखी हो। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में लखनऊ के राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी 2024 की सैर करते हैं और एक अद्भुत नज़ारा हमें इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जहां से हमने फर्स्ट पार्ट को ख़त्म किया था, मैं वहीं से सेकेंड पार्ट को शुरू करना चाहूँगा। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे फूलों से सजे हुए डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी थी। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक फूलों से ही बटरफ्लाई को बनाया गया था, और इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक शंख बनाया गया था। ये दोस्तों गुलदाउदी के फूलों से बनाया गया था। ये फूलों का टावर देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पर दोस्तों श्री राम कितने अच्छे से लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने खूब सारी फोटो खींची, और उन्हीं के बीच में मैंने ये वीडियो शूट किया। अब आपके सामने बहुत ही सुंदर स्टेटिस के फ्लावर हैं। फ्लावर की ऐसी वैरायटी आज तक इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी, तो आप भी दोस्तों इन वैरायटी को एंजॉय करें। सच में दोस्तों वहां पर जो नज़ारा था वो दोस्तों देखने लायक नज़ारा था। मैंने तो वहां पर फुल एंजॉय किया है, आप लोग के लिए वीडियो भी शूट की है और इन फ्लावर को भी खूब एंजॉय किया है। ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर थे जो भी देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। अभी आप लोग के सामने ऑक चेलिस के फ्लावर हैं। ये तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इनके फ्लावर देख रहा हूँ, इनके प्लांट भी देख रहा हूँ, इनके फ्लावर भी देख रहा हूँ। अब दोस्तों आप लोग में से कितने लोगों ने इनके प्लांट और इनके फ्लावर को देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अब आपके सामने पानी के पाइप में बहुत सारे टमाटर के प्लांट लगाए गए थे, और रस्सियों की मदद से उनको ऊपर ले जाया गया था, और दोस्तों उनमें फूल भी बहुत अच्छे से आ रहे थे, और बहुत ही हेल्दी प्लांट ये भी वहां पर देखने में लग रहे थे, और कुछ में तो फ्रूट भी बन रहे थे। तो इस तरीके की भी गार्डनिंग होती है इन
और काफ़ी लोग वहाँ पर इसकी जानकारी वहाँ के और जिन्होंने ये गार्डनिंग की थी उनसे ले रहे थे। पानी इसमें कंटिन्यू पाइप से कंटिन्यू चलता रहता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं शाकाहारी सब्जी की स्टॉल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों सब्जियों को इस तरीके से रखा गया था जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने पूरा कोशिश किया है अच्छे से इनको कैप्चर करने में। एक से एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जियाँ थी और बहुत ऊंची ऊंची सब्जियों के पहाड़ भी बनाए गए थे और बहुत सारे यहाँ पर लोग खूब सारी सब्जियों को देख रहे थे और उनके साथ में फ़ोटो भी खींच रहे थे और साथ में सबके साथ में लगा भी हुआ था कि किस किस सब्जी को कौन कौन सा इनाम अवार्ड मिला है, यानी फर्स्ट अवार्ड मिला है, सेकंड अवार्ड मिला है और थर्ड अवार्ड मिला है। यहाँ पर काफ़ी किसान भाई हमारे फूल सब्जियों के बारे में जानकारी ले रहे थे और इनके बीज के बारे में जानकारी ले रहे थे, इन्हें किस तरह लगा सकते हैं इसके बारे में जानकारी ले रहे थे और बहुत सारी इनसे कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं खेती करके इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर केला, अमरूद, आम, पपीता, लीची इत्यादि की खेती करके आप किस तरह पैसे अर्न कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी जा रही थी।
तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे काउंटर्स वहाँ पर अलग अलग तरीके के लगे हुए थे जहाँ पर अलग अलग जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप पूरा, मैं ग्राउंड का एक राउंड लगा रहा हूँ, आप देख लीजिए पूरा किस तरीके से वहाँ पर फ्लावर शो 2024 लगा हुआ था। और यहाँ पर कुछ तकनीक की बात हो रही थी, मैडम जो हमारे सामने हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को मशरूम की खेती के बारे में बता रही थी। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे रोज के फ्लावर को काट कर पानी में रखा गया था और इनकी खेती करके किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं, गुलाब, रजनीगंधा, देसी गुलाब, जरबेरा, इस तरीके से इनकी खेती करके आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, इसके बारे में भी वहाँ पर बताया जा रहा था।
तरीके से दोस्तों आज आप लोगों ने पुष्प प्रदर्शनी 2024 लखनऊ के जो कि राजभवन में लगी हुई थी उसकी पूरी सैर की। मानता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी है, इस वजह से इस वीडियो को मुझे दो पार्ट में बनाना पड़ा है, पर दोस्तों इतनी सुंदर प्रदर्शनी की सैर आपने घर बैठे ही कर ली तो कुछ समय तो आप लोग को निकालना पड़ेगा ही। आप अगर वहां पर जाते तो फिर तो भी आप इतना ही मजा आता। तो नेक्स्ट ईयर दोस्तों आप उम्मीद करता हूं कि इस प्रदर्शनी में जरूर जाएंगे, और इस साल तो आपने मेरी वीडियो के जरिए इस प्रदर्शनी को खूब इंजॉय कर ही लिया है। तो अब दोस्तों मैं भी बाहर जा रहा हूँ, और पूरा वीडियो बनाने के बाद मैं भी काफ़ी थक गया था, पर यहाँ से मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद पार्किंग की से गाड़ी निकाल कर मैं घर चला गया। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर आप विजिट करें हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और हमें हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें।